नमस्कार, QFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। महिला केस में आरोप मुक्त हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। दिल्ली पार्टी विहीन जनता की सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम महाराज ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि जिस प्रोफेशनल महिला द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को महिला कानून की आड़ लेकर उनकी उज्जवल छवि को खराब किया गया है, उस महिला व पूरे प्रोफेशनल रैकेट का पर्दाफाश करके सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे भारत का भविष्य सुरक्षित रह सके। सर, उनके उसमें यहाँ पे समर्थन में आप धरना प्रदर्शन कर रहे तो क्या है, थोड़ा आप बताइए इस मैटर को। देखिए, माननीय मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी के ऊपर ही एक महिला ने अपने रैकेट के साथ मिलकर बेबुनियाद आरोप लगाया था, लेकिन उस आरोप पर भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता के साथ न्यायिक कार्रवाई को बेंच बनाकर जारी किया और जारी करने के बाद उस महिला के पक्ष भी लिया गया। तो वो महिला कौन थी? वो महिला का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जानते हैं और मैं उधर जाना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि कानून में उनका नाम छिपा के रखना एक कानून है, इसलिए मैं उस घर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल उस महिला की शिकायत को गंभीरता से लेकर जो कार्रवाई की और जो जाँच किया, उस जाँच में हमारे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी निराधार बेदाग साबित हुए हैं, आरोप मुक्त हुए हैं, इसलिए हम उनके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं और उनका समर्थन करते हैं, उन्हें आरोप मुक्त होने की बधाई देते हैं और पूरा देश की ओर से उन्हें बधाई देते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, मुख्य आरोपी और रैकेट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करें, ये क्या? जो आरोप, इतने गंभीर आरोप जो भी लगाए हैं महिला ने, और जब न्यायमूर्ति जी आरोप मुक्त हो गए हैं और न्यायिक व्यवस्था पर, हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था पर हमला किया है, इसकी व्यवस्था करने का मतलब ये है कि आप बहुत कुछ सोच समझ के किए हैं, हमारे देश की व्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया, न्यायिक व्यवस्था को। कहीं ना कहीं तो रैकेट, इसमें 1.5 करोड़ रुपया इस महिला के पीछे वकील को फीस देने की बात थी, उस महिला की यह हस्ती नहीं थी कि 1.5 करोड़ रुपया खर्च करे, लेकिन इसके पीछे कोई था जो 1.5 करोड़ वकील को फीस दे सकता है? इसका मतलब साफ है, जो कोई ना कोई रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है, तो वो रैकेट जो है जो देश को कमजोर करना चाह रहा है और जो हमारे न्यायिक व्यवस्था पर ही हमला किया है, तो उसको पकड़ना जरूरी है। इसीलिए जो रोकित आप बता रहे, कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई संस्था है या समुदाय है? इसमें, इस देश में राजनीतिक पार्टी का चरित्र और चिंतन जो है वो गलत तो कभी, मतलब हमेशा गलत ही रहा है, सही नहीं हो सकता, तो उसको हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक पार्टी अपने स्वार्थ में बहुत कुछ गलत कर चुका है और कर सकता है। लेकिन मैं अभी, उसका नाम सामने नहीं आया है, उसका नाम सामने जब आएगा अपने आप जांच भी सब कुछ हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ जो 1 FIR अननोन FIR ही दर्ज करे, 0 FIR ही दर्ज करे, जैसे आसाराम के मामले में दर्ज हुआ था, ऐसे 0 FIR दर्ज करने का आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे, और उसके बाद जो रैकेट में शामिल है उन सभी को एक एक को पकड़ के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद करे, ताकि ऐसी कोई भी हरकत भविष्य में ये रैकेट नहीं कर सके। नहीं तो आज सर्वोच्च न्यायालय पर किया है, कल राष्ट्रपति को कह देगा। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।